दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से राहत दी है। शिवसेना इस फैसले पर लगातार सवाल उठा रही है। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा है कि फंसाने वालों को राहत, माई लॉर्ड, ये कैसा फैसला। दरअसल बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर महाराष्ट्र पुलिस ने INS विक्रांत से जुड़े कथित घोटाले के मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। ऐसे में शिवसेना ने इस फैसले पर अब बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सामना में लिखा गया है कि विक्रांत बचाव के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करके गबन करने वाले संदिग्ध अपराधियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। पैसा इकट्ठे करने वाली माफिया टोली के सूत्रधार किरीट सोमैया और उनके पुत्र बीते कुछ दिनों से फरार थे। कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बाद में वो फिर से प्रकट हो गए हैं। ये बात मुखपत्र सामना में शिवसेना के में कही गई है। उन्होंने आगे लिखा कि उनके खिलाफ में पैसों के गबन का मामला दर्ज है। उन्हें कोर्ट ने हर रोज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए कहा है। ऐसे में सोमैया कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी के घोटाले बाहर निकालेंगे। सामना में लिखा गया है कि सोमैया के खिलाफ ही घोटाले के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज है। INS विक्रांत बचाव के नाम पर उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे जुटाए, उसे राजभवन में जमा करेंगे, ऐसा वचन उन्होंने दिया था, लेकिन रकम बीच में ही गायब हो गई। राजभवन ने लिखित में कहा था कि वहां पैसे जमा नहीं हुए हैं। शिवसेना ने आगे कहा कि कोर्ट ने पैसों के गबन के इस सबूत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। खुद आरोपी के वकील कबूल करते हैं कि पैसे इकट्ठे किए तो उसे राजभवन में ही जमा नहीं किया गया। आरोपी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जमा किया, बीजेपी कार्यालय में विक्रांत का धन जमा किया और सैकड़ों लोगों से जालसाजी की गई, ये शिवसेना का कहना है उसके मुखपत्र सामना में। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी ये बात मानने को अदालत तैयार नहीं होगी तो हम किस युग से गुजर रहे हैं, आने वाला समय कितना कठिन होगा ये समझ में आ जाएगा। शिवसेना ने कहा कि आरोपी सोमैया की जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट में रद्द हुई है। जनता से पैसा इकट्ठा किया गया ये साफ जो है दिख ही रहा है। ये जुटाए गए पैसे सोमैया पिता पुत्र ने किसी को नहीं दिए और जुटाए गए पैसों का हिसाब भी नहीं रखा, इसलिए सेशंस कोर्ट ने आरोपियों की जमानत ठुकरा दी। संजय राउत जो है सेशंस कोर्ट का तो हवाला दे रहे हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ी कोर्ट है हाई कोर्ट, उसने तो जमानत दे दी है, उस पर क्यों नहीं बोल रहा है, उससे क्यों परेशान है। उन्होंने कहा कि आरोपी बाप बेटे जो है फरार हो गए थे, अब हमारे हाई कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए जो है कहा कि ये देखो शिकायत कई साल के बाद में दर्ज की गई है। 2013 से 2022 के बीच में शिकायत दर्ज नहीं हुई और घोटाले के 57 करोड़ रुपये का आंकड़ा कहाँ से आया, प्रमाण क्या है, अखबारों में छपी खबरों के आधार पर शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज कराया था, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा। और दरअसल महाराष्ट्र की सरकार खास करके शिवसेना से ये पूछा है कि जो आप ये 57 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रहे हैं वो दरअसल कहां से निकल कर आए, क्या हवाई आंकड़ों पर महाराष्ट्र की सरकार बात कर रही है या वो लोग जिन्होंने किरीट सोमैया के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाई है। बहरहाल जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला जो किरीट सोमैया के हक में आया है, बीजेपी के हक में आया है, उससे अघाड़ी सरकार के नेता खास करके शिवसेना और संजय राउत की नींद उड़ चुकी है। इसलिए तो कोर्ट पर भी तंज कस के कह रहे हैं कि माय लॉर्ड ये कैसा फैसला। बहरहाल जो कोर्ट ने कहीं ना कहीं संजय राउत की नींद उड़ा दी है, जो अघाड़ी सरकार को झटका दिया है, जो दरअसल उनके मंसूबे थे किरीट सोमैया के अगेंस्ट में, क्योंकि लगातार किरीट सोमैया उनके खिलाफ में जो है तमाम एक्सपोजे कर रहे हैं, उन सब मंसूबों पर हाईकोर्ट ने जो है पानी फेर दिया है, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार तिलमिलाई हुई है। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।